यस नमस्कार स्टूडेंट्स, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने बायजूस एग्जाम प्रेप में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक लाइन के साथ ये वीडियो शुरू करना चाहूँगा कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, एक बार कर ले खुद पे भरोसा और देख फिर होता है क्या। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपका एग्ज़ाम या तो सितंबर 11 के बाद होगा या फिर 12, 13, 14 को होगा। ये बात मैंने आपसे कल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने से पहले कही थी और एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही हुआ। 12, 13, 14 को एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा 11 सितंबर के बाद, क्योंकि 1 से 11 तक जो है आपके CUET पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स हैं। तो ये मैंने आपके साथ बात कही थी। तो अब इसके बाद की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो मैं आपसे शेयर करूंगा। सारी की सारी जानकारी जो है हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये जो एक नोटिफिकेशन कल निकल के आया है NTA से कि एग्ज़ाम जो है 11th of September के बाद है। आपका एडमिट कार्ड जो है 16 September को इशू हो जाएगा, आपको प्लेस जो है पहले ही पता चल जाएगी। तो बहुत सारी जो है यहाँ पर क्लियर कर दी गई हैं बातें। तो अब आपको अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रिपरेशन पे करना है। एग्ज़ाम की डेट्स आ चुकी हैं, सारा का सारा मसला जो है अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो अब इन परेशानियों में ना रह के कि मेरा एग्ज़ाम कब होगा और सर पॉलिटिकल साइंस कब होगा, हिस्ट्री कब होगा, इंग्लिश कब होगा, इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं है। अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो है आपकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में कमी नहीं आनी चाहिए और ख़ुद पर भरोसा होना चाहिए और देखिए फिर क्या होता है, आप हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर ज़रूर बनेंगे। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और इसी तरीके से आपको जानकारी देते रहेंगे। डेट शीट क्या होगी, क्या होंगी सारी बातें, जैसा जैसा जो जो नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले मिलेगा बायजूस एग्जाम प्रेप पर। ऑल द बेस्ट गाइज, अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, जीवन में जो भी करें उसे पूरे दिल से करें। थैंक यू सो मच।